नमस्कार सर, नाइस न्यूज देख रहे हैं आप। मार्केट में अभी तक सिर्फ महिलाओं के लिए ही गर्भ निरोधक गोलियां मिलती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों के हाथों एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई है, जो पुरुषों की सेहत को बिना नुकसान पहुंचाए पार्टनर की प्रेगनेंसी को रोकने में सफल हो सकती है। हाल ही में आई एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि पुरुषों के लिए बनी गर्भ निरोधक गोलियां बिना साइड इफेक्ट के टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म की संख्या को कम कर सकती है। इस स्टडी को अटलांटा में एंडोक्राइन सोसाइटी की एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा। डीएमएयू और 11BMNTDC नाम की दो दवाएं प्रोजेस्टोजेनिक एंड्रोजन दवाओं का हिस्सा हैं। आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने वाली दवाओं से कई नुकसान होते हैं। ये दवाएं भी टेस्टोस्टेरोन की संख्या को घटा देती हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये दवाएं टेस्टोस्टेरोन को दबा देती हैं, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने के लिए आमतौर पर पुरुष जो तरीके अपनाते हैं उनसे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब रिसर्च में इन दवाओं का प्रयोग किया गया तो पाया गया कि ज्यादातर पुरुष इन दवाओं का उपयोग अब आगे भी करना चाहते थे। आपको बता दें कि दो चरणों में हुई इस रिसर्च में एक क्लिनिकल ट्रायल में 96 स्वस्थ पुरुष शामिल हुए थे। दोनों परीक्षणों के दौरान पुरुषों को 28 दिन के लिए रोजाना 2 या 4 ओरल दवा या प्लेसबो दिया गया था। नतीजतन ये पाया गया कि दवा लेने वाले लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 7 दिन बाद सामान्य से कम हो गया था, और वहीं प्लेसबो लेने वाले पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन का लेवल सामान्य था। रिसर्च में ये पाया गया कि दवा लेने वाले 75% पुरुषों ने कहा कि वे आगे भी इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, जबकि प्लेसबो लेने वाले सिर्फ 46.7% लोगों ने ही उसे दोबारा लेने की इच्छा जताई। जिन पुरुषों ने रोजाना 400 mg की 4 गोलियां ली, उनमें 200 mg की 2 गोली लेने वालों की तुलना में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम था। US में यूनिस कैनेडी श्राइबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य रिसर्चर तामार जैक बसन के मुताबिक पुरुषों में प्रेगनेंसी के तरीके वर्तमान में नसबंदी और कंडोम ही हैं, जो कि महिलाओं के लिए मौजूद कॉन्ट्रासेप्टिव विकल्पों की तुलना में काफ़ी सीमित हैं। पुरुषों के लिए इफेक्टिव गर्भ निरोधकी तरीकों की खोज से पुरुष और महिलाओं में अनवांटेड प्रेगनेंसी को कम करके ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा असर होगा। यह पुरुषों को फैमिली प्लानिंग में भी मदद करेगा। क्लिनिकल ट्रायल में पुरुषों द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट और दवा को फिर से प्रयोग करने की इच्छा से आने वाले समय में मेल बर्थ कंट्रोल को शायद नई ऊंचाइयां मिलेंगी। फिलहाल वैज्ञानिकों का यह प्रयोग तो सफल हुआ ही है, तो पुरुषों के लिए आई इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेहत से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए सनराइज न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।